तो सर जो आप बता रहे थे ब्रह्म राक्षस के बारे में उसकी एक उसका एक किस्सा है तो पहले तो ये बताओ ब्रह्म राक्षस होता क्या है सर देखो वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज़ के बारे में इतना बता पाए लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है सारे मंत्र श्लोक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंटस्थ होते हैं और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइबड इन करें में अलग अलग तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हो अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्मराक्षस बन जाते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह के स्कॉलर पंडित हैं अगर उनकी डेथ हो गई और कोई उनके मन में कुछ रह गया है कोई इच्छा रह गई है तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं अनटाइमली डेथ अन अनटाइमली डेथ होती है और मतलब स्कॉलर्स होते हैं ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्मराक्षस बन सकते हैं मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती मतलब जो भी हाँ वो अपनी मर्जी के मालिक हैं वैसे वो बहुत शांत होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते वो जहाँ है वहाँ मैं आपको बता दूँ ऐसा लिखा गया है मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है ऐसा कहा जाता है और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है नाम भी अगर वो पेड़ अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं कि उसमें ब्रह्मा जी का निवास है अगर वो नॉर्मल है ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है दोनों से सूखा हुआ है तो एक नॉर्मल पेड़ है लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है तो ऐसा कह कहा जाता है तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आने वाली है बिल्कुल सर स्टार्टिंग से सर मजेदार तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में उसके पास में एक गांव है उस गांव का नाम है गाँव में एक छोटा पार्ट उसका नाम है उपाध्याय का टोला तो उपाध्याय का टोला नाम से तो लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मीण्स होते हैं तो ऐसे ही पूरा एक गाँव था तो वहाँ पर एक पंडित जी रहते थे उनका तो नाम था रमाकांत जी तो रमाकांत जी जो थे उनके दो बेटे थे तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी छोटा सा गांव था तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया तो आर्मी में गया उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा तो उनका डिस्कशन हुआ कि चलो करते हैं हम बहुत दिनों से छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग झोपड़ी टाइप कच्चा घर था तो अपन लोग गाँव में एक मकान ले लेते हैं तो उस टाइम पर अच्छा मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा वो भी दिखा सकते हैं लोग अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ तो एक घर था वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज वगरेज रहा करते होंगे उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर वो उनके पास गए उन्होंने बातचीत की तो उनकी डील हो गई तो डील हो गई तो बोले अब ये घर अपन ले लेंगे तो बेटे से बोला पेमेंट वेमेंट हुआ और अच्छा उन्होंने क्या किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में आ, घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से तो गाँव वाले को भी ऐसा कुछ ऐसा कुछ कोई आइडिया था कि हाँ खाली पड़ा को रहता तो है नहीं तो उन्होंने ले लिया घर अब उस घर में क्या था घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था तो घर लिया सभी को बुलाया गांव में सभी लोग आते हैं तो सभी के सभी पंडित अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई तो बीच में घर में हवन लगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आँख बंद करके श्लोक बोलते हैं तो सभी वहाँ पर पंडित थे सभी अपने आँख में मंत्रमुग्ध जाते हैं वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो वो आँख बंद करके झूमना शुरू करता है तो जितने ब्राह्मण लोग सब आँख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी बहुत मीठी आवाज़ मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना कि जो सब झूम जाए आदमी तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनन्सिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है तो वो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए उन्होंने चारों तरफ देखा बोल कौन रहा है मुझसे भी अच्छा बोल रहा है तो चारों तरफ देखे सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा तो उन्होंने फिर अपनी आँख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वहाँ पर रहने आ गए तो जो लड़का था आर्मी वाला वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पर इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ अब ये तीन लोग उस घर के अंदर रहते थे तो ये रहने लगे ऐसा सच नॉर्मल चल रहा था सब कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी फिर ये लोग लसन प्याज खाते रहे जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लसन प्याज नहीं खाते हैं तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसन प्याज छील के बैठी हुई थी उसने चूल्हा जलाया और वो चूल्हा जलाए माचिस से चूल्हा जले ही नहीं उसने फिर चूल्हा जलाया फिर नहीं जला तो परेशान हो गई वो मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की नहीं जला तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसन प्याज नहीं चलते उसने बिहारी ला एक्सेंट में बोला था वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं बट उसने बोला कि इस घर में लहसन प्याज नहीं बनेगा तो पीछे घूम के देखा उसने कौन बोला तो कोई नहीं था वहाँ पर उसने फिर चुले जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को इस घर में लहसन प्याज नहीं चलेगा अब उसको जब तो दूसरी बार आवाज़ आई ना तो उसको कुछ समझ में तो उठी और भाग गई घर से बाहर और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे बेटा भी नहीं था फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो तो बोलते कि मैं घर पर खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई तो पागल हो गई क्या ऐसा कुछ नहीं होता चल अंदर फिर वो अंदर गए सब ठीक है कुछ भी कोई दिक्कत नहीं सब कुछ नॉर्मल है तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ उनको उनकी वाइफ को हुआ वो घबरा भी रहती थी पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसन और प्याज नहीं बना छोड़ दिया उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लहसन प्याज नहीं आएंगे ठीक है फिर इनका जो लड़का था उसकी ये ज़्यादा नहीं थी बाईस तेईस साल का होगा तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे तो इनको रमाकांत जी उसने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है कुछ चौबारा हुआ कुछ बोलते हैं उसको तो गए वहाँ पर देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ और रामाकान जी का गुस्सा हो गया उन्होंने उसको उठाया राम जादे पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया तो शराब पी के बैठा हुआ है तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करके शराब पी ली अब उसको नशे में पड़ा हुआ था रामाकान जी से क्या बोले गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था तो उसको उठा के घर पर ले आए अब घर पर ला उसको लेटा दिया जैसे वो घर पर आया लेटा सो गया आराम से कोई दिक्कत नहीं तो रमाात जी को बहुत गुस्सा आया उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया अब रात को करीबन तीन पैंतालीस या तीन साढ़े तीन बजे के आसपास तो उनकी जो मदर थी वो उनकी वाइफ रमाकांत जी की वो उठी टॉयलेट करने के लिए तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली उसमें खिड़की में पहुंची तो पहुँचते तो उनकी बहुत तेज चीख निकली उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था और उसकी जो टहनियाँ होती है ना उसी से उसका गला घुटकर वो लटका था उसकी लाश लटकी थी वो तो देखते बेहोश उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए रमाकांत जी ने आके देखा वो भी बहुत तेज चिल्ला है और रोना पीटना मच गया आसपास के घर वाले आए पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब अच्छा इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ ये पूजा वूजा हो गई ना उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको तो वहाँ पर ही रमाकांत जी इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे उनके साथ गए थे तो दोनों वहाँ गए तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले वो साधुगुरु ने पहले कभी गाँव में नहीं देखा था तो वैसे जैसे पंडित थे तो देखा साधु के पैर पैर छुए बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए तो महाराज गुस्से में बोलते हैं उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना तो अपने घर के बड़ों से बात जरूर करनी चाहिए और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में तो ज़रूर जरूर से बात करनी चाहिए ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए तो अब रामाकान्त जी ने मकान तो खरीदा था पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूछा महाराज आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो उन्हें बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा चौबीस साल से मुक्ति मांग रही है अब तो तुम्हारा भला बजरंग बली कर सकते हैं इतना बोल दिया उसके बाद चुप हो गया और रामाक से जो नया नया मकान लिया है ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई तो वो चुपचाप ना उठ के आ गया उसको बात तो समझ में नहीं आई लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्मराक्षस है क्योंकि वो जो उपाध्याय जी थे तो उनके सामने बात बोली गई थी तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहे कोई कारण तो दिखेगा क्यों वो लटका है वहाँ पे जाके तो वो उनको याद आए वही महाराज वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए तो वहाँ पे जाके देखा तो महाराज वहीं बैठे हुए थे तो जाते उनके परम पड़ गए रोने उन लग गए महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगा बताया क्यों नहीं तो उन्होंने बोला क्यों ब्रह्मराक्षसा है उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है वो बहुत शक्तिशाली है तुम उसका कुछ नहीं कर सकते उसको जब गुस्सा आता है ना तो वो अपने जो भी शिकार है उसका जिसके ऊपर गुस्सा आया है उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया इसलिए वो गया तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूँ घर छोड़ दूँ तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो कुछ भी छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने उस ब्रह्मराक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी जाओ बजरंगबली का आह्वान करो अब वही तुमको बचा सकते हैं बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती तो बोला महाराज मैं क्या करूँ बोला अनुष्ठान करो अपने ऊपर भरोसा रखो भगवान पर भरोसा रखो अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ उसे मुक्ति मिल गई तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता सर इसकी वैसे पावर सॉरी मैं काट रहा हूँ स्टोरी कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्मराक्षस की तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं एक्सट्रीम पावरफुल मतलब अगर आप जैसा बताया गया है कि सात आठ से नौ फिट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल विजु जब आते हैं तो और इसमें स्टोरी में भी डिस्क्राइब किया गया उनको और ऐसा कहते हैं कि दो ऐसे सींग से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं जनेऊ हमेशा होती पहनी हुई और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा टीका जरूर लगा हुआ सिर के ऊपर तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं जैसे नॉर्मल क्या होता है ना मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का मतलब जीरो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना दिक्कत तो या मंत्र वंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पर इनको कंट्रोल करने के लिए मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि लेडर में देवता थोड़ा सा नीचे हैं बस अच्छा अच्छा तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना तो उनका जो मेंटल लेवल होता है जो मेडिटेशन लेवल जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं वो बहुत हाई होता है तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो आ, कुछ भी आप हाँ हाँ आप, आप जो भी मंत्र बोलेंगे आप हनुमान चालीसा बोले वो आपके साथ साथ बोले मतलब वो डरेंगे नहीं 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 आप हनुमान चालीसा बोलो वो आपसे ज़्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो वो आपके साथ साथ बोलेंगे अगर वो वहाँ होंगे तो बाप रे तो सर उनसे बचा कैसे जाए मतलब अगर उनके खुश रख करके रखो उनके हिसाब मतलब से चलो तो वो आपको तंग नहीं करे नहीं नहीं ऐसे नहीं कि वो चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते वो ही इज नॉट विजिबल टू एनी वो जहां है वो रह रहा है और वो आते जाते किसी को परेशान छोटी मोटी आप गलती होती तो कुछ भी नहीं है पर उसके एरिया में आके आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है मतलब जिससे वो नाराज हो जाए देन मतलब जैसे कहते हैं पेड़ पे कर दिया या ऐसा कुछ गलती कर दी ने हाँ मतलब ऐसा हो सकता है जैसे पीपल के पेड़ है, ऐसा पेड़ है और वो, देखो ये दारू पीकर आ गया था बच्चा और प्लस लसन प्याज भी घर में था हाँ वो उनका नियम था ना वो जब वो जिंदा थे जब भी इस दुनिया में थे उनका नियम था कि मेरे घर में शराब मांस लसन प्याज नहीं आ सकता है पहले आपने एक गलती करी आप लसन प्याज बना रहे हो पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है क्यों चलो आप आए आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि लहसन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर फिर आपने इग्नोर कर दिया अब क्या बोलेगा अगला फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया आ। तो वो उनके लिए तो उनके लिए नियम टूट गए ना तो आ गया गुस्सा कहानी पे आगे बढ़ते हैं हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना आगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई रियल इलेवन पे आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना हाँ और ना है तो भाई आप जाके काम करो प्रो प्ले खेल लो यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने और आप जीत सकते हो लाखों और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस ठीक है समझ गए ना तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो रियल एवन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है चलो आप पॉडकास्ट वा बढ़ाते हैं पूरा देखना है एंड तक चलो सो so, अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए तो उपाध्याय जी रमाकांत जी, जी से बोला रमाकांत जी आप तो एक काम करो बैठो अनुष्ठान करते हैं और अच्छा उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है आपने एक बार शुरू कर दिया ना पता नहीं कब आएगा कब होगा कब बस करते जाना है तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया दो उन्होंने शुरू किया साथ में रमाकांत जी ने उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है एक हनुमान कवच हनुमान चालीसा अंजने स्त्रोतम ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं संस्कृत के अंदर तो एक एक करके सबको पढ़ते थे तो बैठे पूरा प्रॉपर उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया पहले दिन दोनों ने बैठ के किया अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किए श्लोक उधर से भी आना शुरू हो गया और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से मतलब जो खिड़की थी वहां से आवाज़ आ रही थी तो अब तो पता ही था सबको तो वहां पे श्लोक चल रहा है वो घबरा गए शुरू करते ही आप सोचो आप भगवान की पूजा करने बैठे हो आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ में आने लग गई तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत तो जैसे वो आवाज़ आई दोनों घबराए दोस्त फिर इधर उपाध्याय जी बोले रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो हनुमान जी साथ में आप तो करो मैं भी आपके साथ बैठा हुआ तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना पूरा कम्प्लीट किया फिर उसके बाद शाम हुई तो वो उपाध्याय बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोजाना आपको करना है वो भी कब तक बैठ पाएंगे रोज़ तो नहीं बैठ सकते उनके भी काम धंधे दे वगैरह सब कुछ है तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है कभी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना तो अब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोजाना श्लोक चालू और उधर से उधर से आवाज़ चालू दोनों सेम काम साथ साथ एक सौ सात दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया अब इमेजिन करें एक दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ 108वें दिन वो पूजा कर रहे थे और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है तो ना पीछे कोई खड़ा तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो जैसे उन्होंने पीछे घूमा घूम के देखे तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था मतलब तो वही ब्रह्म राक्षस उनके साथ साक्षात था तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन सात आठ फीट का आदमी से बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है मतलब और वही दो सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया और जितने कुछ बोला रामाकान जी बेहोश और तेरी आप देख लो ना अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने अपने बेहोश हो सकते हैं फ्यूज उड़ जाता है सारा सर और फिर उठे वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे तो तो उसकी बीवी आई थी कि आप बेहोश के होंगे तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए तो उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए तो फिर वो वापस से अब किससे पूछें तो उनको तो एक आदमी नजर आए वो साधु तो वहाँ गए मंदिर पे देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पे सब जगह ढूंढ लिया साधु महाराज नहीं मिले अब वो अकेले फंस गए करूँ तो क्या करूँ फिर वो वापस अपने घर पे आए अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया अब वो समझ में नहीं आया उनको क्या करना है तो वो सोए आके जैसे उनको नींद आई ना एकदम से उनकी आँख खुली और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएँ उनको ऐसा फ़ील हुआ अपने आप से कोई आप मोल एलाइटमेंट हुए हुआ या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ तो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से हवन वगैरह सब और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया उनकी नज़र पड़ी पर पीपल की डाल पर तो वहाँ पर वही परम राक्षस बैठा हुआ था पीपल के डाल के पर वो इनको घूरे जा रहा अब इनकी हालत खराब इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है क्या करेगा ये मेरा पर इनका निश्चय दृढ़ निश्चय कि नहीं अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा और उन्होंने वहाँ पर बैठ कर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को सुनाई आ रही है अच्छा दिख रहा किसी को नहीं दिख रहा है एक ही इंसान को है लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं पूजा चल रही है साथ साथ में फिर बहुत देर तक वो करते हैं फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखाती आई और एकदम से वो रोशनी के ऐसे फैल गई रमाकांत जी बेहोश उसके बाद सब कुछ शांत वो दोबारा उठे उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया मतलब जो इन्वायरमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए करीबन सुबह चार पाँच बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने, ने, ने डिस्कस किया आपस में वापस से वहाँ गए मंदिर तो वहाँ मंदिर पर वही साधु बैठे हुए हैं तो जाके उनको प्रणाम ना किया और तो बोला कि महाराज ऐसा तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्मराक्षस को मुक्ति मिल गई है अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप इस घर के अंदर रह सकते हो अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा वो जो था वो जा चुका है और बस आप रहो आराम से तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ मेरा तो बेटा चला गया हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं हमारे इच्छा की बात नहीं उसने गलती की उसने सजा दी आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो तो वो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए बेच दिया उन्होंने वो घर आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी मतलब किसने शेयर करी किसी क्लोज नहीं उनके नहीं अच्छा क्लोज ने तो नहीं पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं वो जगह भेजी है और जिन्होंने भेजी है वो दिल्ली से बिलोंग कर अरे बाप रे ऐसी और स्टोरीज हैं ब्रह्माक्षस पे तो मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा अलग वो है मैडम उसमें क्या था कि बच्चा था गांव से आया था और घर वालों पढ़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत बहुत पिछड़े गाँव में रहते थे तो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा जा रहा हूँ तो जाके ऐसे बैठ गया एक ख़राब सा घर था कई सालों से बंद पड़ा था तो बैठा हुआ था बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको तो वो भी वही ब्राह्मण था वो बच्चा भी जैसे बैठा था तो दो लोग जा रहे थे दो ऐसे वही वो भी, भी ब्राह्मण थे जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना जो शास्त्रीय टाइप ऐसे तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा इसमें चला जा यहाँ अंदर जा और तेरे को यहाँ गुरु जी मिलेंगे तेरे को सब कुछ सिखा देंगे तो अनभिज्ञ वाला चला गया अंदर जैसे वो अंदर गया दोनों बोलते हैं अब अब सच्चाई सामने आ जाएगी इस घर में ब्रह्मराक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है तो उसमें फिर वो जाता है अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ है लेकिन ऐसे तीन चार फ्लोर्स होते हैं तो जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है वो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है तो वो बैठा रहता है बैठा रहता है पूरा दिन निकल जाता है उसको कोई दिखता ही नहीं है बट उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है तो शाम के टाइम जब होती है सूरज ढलता है तब जाके उसे सामने एक गुरु जी दिखाई देते हैं मतलब अंदर कमरे के अंदर वैसे ढूंढता है वापस उठ के देखो तो यार कोई हैवी नहीं में फालतू तो रात हो रही है निकलो फिर यहाँ से वरना तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो तो उन्होंने उस बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज मतलब तुझे डर नहीं लगता तो मतलब डर किस बात का आप गुरु जी हो मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है कल बात करेंगे अभी तू खाना वाना खा ले तो उसने बोला खाना खाएँ बोले तू बाहर जा खाना खा ले तो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ बहुत छोटे तो ऐसे वो अगले दिन गया अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे बोला देख ले तो दृढ़ निश्चय कर ले एक बार अगर तू यहाँ रुक गया तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है तो अगले बारह साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है उसने बोला जो हो मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ आपको जो करना है करो मैं तो दीक्षा लेने आया आऊँ सीख के जाऊँगा तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ है बिल्कुल भोला है तड़पाया हुआ है लोगों का तो उन्होंने बोला चल ठीक है फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया बारह साल तक उन्होंने सिखाया उसको मतलब बारह साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया फिर जब लास्ट दिन था तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी दीक्षा तेरी शिक्षा पूरी हो गई है अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा तो लास्ट मोमेंट था तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्मराक्षस हूँ और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है मुझे अपने एक शिष्य को देना था तू मेरे पास आया तेरा निश्चय दृढ़ था तेरा मन साफ था इसलिए मैंने तुझे तो सब कुछ सिखा दिया है अब मुझे मुक्ति मिल गई है तो ये मेरा आखिरी दिन है और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना और इतना कह के बाबा जी गायब ये भी सच्ची कहानी है ये मैंने पढ़ी थी इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता किसी ने भेजी थी या? नहीं, नहीं, ये मैंने कहीं बहुत पुरान टाइप से ढूंढ के वहां से रिसर्च करा था दिखे दिखे? नहीं नहीं, नहीं। हाँ, नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं। आप दे रहे थे वो हर किसी के वही ना कह रहा हूँ मैं किसके हिसाब ने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी है और वो कैसा इनलाइटमेंट है तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे ये मैंने पढ़ा था इसके में ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोलता वैसे सर वाले वाले कोई अगर आ जाए कोई दिख जाए ऐसे वाले रूप में वो तो ऐसी की तैसी निकल जाए मेरे साथ इसीलिए हो जाता है आप आ गया अब हो सकता है वैसे तो आएगा ही नहीं मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ ऐसे नहीं दिखते आपको अगर बाई चांस कभी कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि भाई तो ऐसे एक की आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है

अब आज हल्क छोड़ दो आप बड़ा गर्ग वो बड़ा वाला हल्क अब उसको कौन कंट्रोल कर लेगा सही बात है सर तो वो वाली कहानी है उसकी तो मेरे को तो यही लगता है सिस्टम कुछ ऐसा ही उसका <laughs> खतरनाक वाला